राइडिंग व्हील ऑन। तुम यहाँ कैसे अटक गए? अरे पहले छुड़ा तो लो फिर बात करना। तुम ठीक तो हो ना? तुम ट्रक के पीछे क्यों लटके हुए थे? मैं लटका हुआ नहीं, अटका हुआ था। मेरी बात छोड़ो, तुम लोग अपनी बात बताओ, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? अरे तुमसे क्या छुपाना है चुलबुल, हम तो होमवर्क की बातें कर रहे हैं। फिर भाग गए ये लोग, मैं भी पता करके ही रहूंगा कि ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। अब बचा है डेकोरेशन और लोकेशन। पार्टी कहाँ दी जाए और डेकोरेशन कैसा होगा? डेकोरेशन का काम चिंटू को दे देते हैं, अच्छा आइडिया है। जिंटू तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, कुछ ऐसा करो कि मैं वीर और इमली की बात सुन सकूं और उन्हें पता भी ना चले। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। ये लो ये फ्लाइंग कारपेट है, जहाँ वीर इमली बात कर रहे हो वहाँ तुम उनके ऊपर उड़ते हुए उनकी सारी बातें सुन लेना। ओके थैंक्स। ये कारपेट स्पेशल है, जो इस पे बैठता है ये उसको प्रोटेक्ट भी करती है, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये वीर का घर है। हाँ क्या लाए हो? मैं अल्फा बेकरी से आया हूँ, ये उसका ऑर्डर है। लाओ दे दो, मैं वीर को दे दूंगा। मैं भी तो देखूं इसमें क्या है। मैं वीर को बुला के लाता हूँ। तो ये मेरे बिना अकेले अकेले पार्टी करना चाह रहे हैं? कल तक मैं इनका अपना था, आज गैर हो गया, अब ये सब मैं खाऊंगा, इन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। सब सामान का बैग तो यही था चुलबुल के हाथ में। ओफो उसके हाथ में क्यों दिया? वो सुबह से ही नाराज है, अब और नाराज हो जाएगा। चलो उसे ढूंढते हैं। हाय चुलबुल, मेरा नाम गोटिया है, ये है मेरा दोस्त बंदा, ये अपोरी और वो टपोरी। हाय, तुम लोग मेरा नाम जानते हो? हम तुम्हारा घर भी जानते हैं। दिखाओ इस बैग में क्या लेके जा रहे हो। हमें भी बड़ी भूख लगी है। ये मेरा है, इसे मैं खाऊंगा। तेरी इसे कहो जादू से भैंस बन के खड़े हो जाए, जब चोर इसे ले जाएंगे तो ये सब कुछ देख के हमें भुला लेगा। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। चलो जिंटू एक मोटी तगड़ी भैंस बन जाओ, ताकि चोर तुम्हें चोरी करके ले जाए। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। चाट, वाह वाह, थोड़ी चाट खा लूं पहले। अरे ये सब का हो रहा भाई? इस भैंस को चाट खाने का शौक है। देखो कैसे खा रही है। एकदम चटोरी लागत है, एक नाम जो ना चटोरी रख दे। भूल गया। ये चिंटू कहाँ गया? लगता है उसे चोर ले गया। अब क्या करें, उसका पता कैसे करें, कहीं उसकी याददाश्त तो गुम नहीं हो गई। मुझे जिंटू पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने उसके टेल पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। चलो उसे ट्रैक करते हैं। मुझे पहले से ही शक था कि चोर यही होगा, क्योंकि सिर्फ इसकी भैंस ही चोरी नहीं हो रही है। तुम दोनों यही रुको, मैं चिंटू को ढूंढ के आता हूँ। अरे वाह
बड़ा चटोरी, खाओ खाओ, जितना चाट खाए के खाए ले। जब तक हम तुम्हारे मालिक है ना, तुमका चाट के कमी ना होई। खाए जाओ खाए जाओ। ये मेरा मालिक कितना अच्छा है, यम्मी क्या चाट है। तो पूरे फुर्सतगंज की भैंस तुम चोरी कर रहे हो। ये भैंस मेरी है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। ये कौन लड़का है जो मुझे मेरे मालिक से अलग कर। अभी तेरी शक्ति निकालता हूँ। मेरी फसल, कभी सांप कभी लॉलीपॉप, ये हो क्या रहा है। बंटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। सर सर, मेरी फसल कभी सांप बन जाती है, कभी लॉलीपॉप बन जाती है। ये सब वीर ने किया है, उसी ने सांप और लॉलीपॉप के बीच डाल दिए होंगे। जिंटू जल्दी से सब ठीक करो, जल्दी। बंटी सांप और लॉलीपॉप के बीज नहीं होते। अरे तुम्हारी फसल तो ठीक है। अरे बंटी वो सांप नहीं है, डरो मत। बच्चों तुम सबकी फसल अच्छी हुई है, वेरी गुड। लेकिन इसको चिड़ियों से बचा के रखने के लिए सबको स्केयरक्रो लगाना चाहिए, जैसा वीर और बंटी ने लगाया। सब लोग जाओ और स्केयरक्रो बना के लाओ। इससे चिड़ियों को लगता है आदमी खड़ा है और वो खेतों की फसल को खराब नहीं करती। जिंटू खबरदार, अब तुम इधर खेतों की तरफ आए, जब तक ये कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हो जाता इधर मत आना। जाता हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, अब नहीं करूँगा। बॉस बॉस, ये देखो, मैं वीर के खेत से इस स्केयरक्रो को ले आया हूँ। अब उसकी फसल सब चिड़िया खा जाएगी। टिम्बक्टू का बदला, द रिवेंज ऑफ टिम्बक्टू। टिम्बक्टू, लाइफ में बड़ा सोचो। मैं इस स्केयरक्रो को रोबोट में बदल दूंगा और उसके साथ कुछ क्रो रोबोट भी भेजूंगा। तुम इसे वीर के खेत में लगा देना, बस वीर आएगा और मेरा स्केयरक्रो रोबोट वीर को खत्म कर देगा। स्केयरक्रो से तो क्रोस को डरना चाहिए, लेकिन ये तो डर ही नहीं रहे हैं। Thank you.
रहा है बच्चे, अच्छा लग रहा है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज रोबो बॉय बचाओ। आज के बाद फिर किसी एलियन को पकड़ोगे? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं कभी नहीं, सॉरी सॉरी, कभी नहीं कभी नहीं। जिंटू तुम बहुत खराब हो, इस तरह किसी को नहीं डराना चाहिए। तुम कौन हो और किस प्लेनेट से आए हो? मेरा नाम टूटू है, मैं टर्टल प्लेनेट का प्रिंस हूँ। ट्रोजन मुझे कैद करके खुद राजा बनना चाहता है, इसीलिए मेरे बॉडीगार्ड्स मुझे यहाँ छुपा के चले गए थे। अब कोई ट्रोजन तुम्हें तंग नहीं करेगा, तुम थक गए हो, अभी सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। पहले कभी ऐसा जीव नहीं देखा। वो आ गया, ट्रोजन आ गया वीर। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोबो बॉय आ गया, अब कोई खतरा नहीं है। मुझे तो लगता है सारी मुसीबत की जड़ ही रोबो बॉय है। खेल रहा है अब ये कौन सा गेम है? वोल्केनो से धुआं निकल रहा है। ये वोल्केनो ब्लास्ट हुआ तो पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। मैं तो अभी फुर्सतगंज छोड़ के भाग रहा हूँ। बंटी की मम्मी, जिंटू जल्दी से उस वोल्केनो को बंद करो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। वो देखो, वोल्केनो को किसी ने गिफ्ट रैप कर दिया है। ये कैसा जादू है? जिंटू जादू वापस करो, सब कुछ नॉर्मल करो पहले जैसे। तुम कभी मेरे काम से खुश नहीं होते, कितना अच्छा गिफ्ट रैप किया था। मुझे जाके देखना पड़ेगा ये वोल्केनो कैसे ब्लास्ट हो रहा है। इस इलाके में तो हजारों साल से कोई वोल्केनो ब्लास्ट नहीं हुआ। मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। दादाजी, इस वोल्केनो के नीचे कोई गैजेट जैसा नजर आ रहा है, मैं उसकी इमेज आपको रिले कर रहा हूँ। वीर, वो गैजेट इस धरती के नीचे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ये जरूर मैड मैक्स की चाल है, तुम फौरन वहाँ से बाहर आ जाओ। बस हिल नहीं रही, बच्चों को निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। वो देखो कितनी बड़ी रॉक इस बस पे ही गिरने वाली है।
सीमेंटो, ये वीर के स्कूल में सीमेंट मिक्सर में छुपा रहेगा। जब वीर वहाँ आए तो तुम इस रिमोट से सीमेंट मिक्सर चला देना और सीमेंटो बाहर आ जाएगा और सीमेंट फेंक फेंक के वीर को फ्रीज कर देगा। ये क्या कर रहे हो दिम्बक्तू? बॉस बॉस चेक कर रहा हूँ वहाँ काम करेगा कि नहीं, वरना आपकी बेइज्जती होगी ना बॉस। मियाँ बॉस, मियाँ। शुक्र है ये हीटिंग रेज वाला रिमोट मैंने बना के रखा था। एक सीमेंट मिक्सर तो यहाँ खड़ा है, ये दूसरा किसने मंगवाया? पता नहीं सर, मैं अभी पूछता हूँ। ए, ये सीमेंट मिक्सर किसने मंगवाया? ये मैं लाया हूँ आपके लिए एक तोहफा। इमली, ये तो टिम्बक्टू है, अभी ये क्या लेकर आया है?